Assalamu alaikum, dear students. I do hope that you people are fine and enjoying good health. I, Professor Muhammad Noman Faisal, welcome you people on this platform of learning. And our today's topic is Toppers Paper Presentation Skills. We are going to learn how do the toppers get maximum marks, how do they create that difference of marks with the other students. Means if one student is getting 90 in English, how do they get 95, 96, 97? How do they create that difference? And we are going to learn that. Yaad rakhiyega students, aapki jo paper presentation hai, wo aapko har paper mein 5-6 marks dusron ke nisbat jinki paper presentation skills achhi nahi hai, wo differ karwati hai. Aur na sirf arts mein balki science mein bhi aisa hota hai. Jiska matlab ye hua ki at the end aapke जो पेपर्स हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर वो 1100 मार्क्स के हो रहे हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 25-30 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो करवाती हैं. और बाज़ औक़ात एग्जामिनर की चॉइस पर ये डिफरेंस उससे भी ज़्यादा आ जाता है. मींस कई बार आर्ट सब्जेक्ट में 15-20 मार्क्स का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन जो है वो ऐड या डिलीट कर रही होती है. और साइंस सब्जेक्ट में भी स्पेशली जो थ्योरी के, खैर न्यूमेरिकल के भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में भी प्रेजेंटेशन का एक अहम रोल है. और जैसे हम कहते हैं ना कि हमें साफ़ सुथरी और अच्छे तरीके से प्रेजेंट की हुई चीज़ अच्छी लगती है और हम उसके बारे में ज़्यादा खुश होते हैं और अपने दिल में उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं, तो इस तरह एग्जामिनर के सामने एक अच्छा प्रेजेंटेड पेपर भी उसको अच्छा लगता है और उसको ज़्यादा वेटेज दे रहा है और ज़्यादा मार्क्स देता है. एंड दैट इज़ यूजुअल. तो लेट अस लर्न टुडे, लेट अस नो हाउ वी कैन इंक्रीज आवर पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड हाउ कैन वी गेट मैक्सिमम मार्क्स एज द टॉपर्स गेट. एंड आई वुड शो यू सम पेपर्स ऑफ टॉपर्स हु हैव टॉप्ड प्रीवियसली इन डिफरेंट बोर्ड्स. इवन दैट स्क्रीन पेपर दैट इज ऑल्सो ऑफ अ बोर्ड टॉपर ऑफ 2016 साहिवाल बोर्ड, दैट वॉज आमिना. एंड लेट अस नाउ कॉन्टिन्यू अहेड. ओके, फाइव पॉइंट्स के अंडर हम पेपर प्रेजेंटेशन स्किल सीखेंगे. एक तो ड्राइंग मार्जिन लाइन, सेकंड प्रेजेंटिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, देन मेकिंग करेक्शंस, देन प्रेजेंटिंग लॉन्ग क्वेश्चंस एंड फर्निशिंग कोटेशंस. ये पांच चीज़ें आज हम इनिशियली सीख रहे होंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद ड्राइंग मार्जिन लाइन्स. आपको स्टूडेंट स्क्रीन पर मार्जिन लाइन्स जो हैं वो लगी नज़र आ रही है, उनको क्रॉस किया है मैंने. क्रॉस करने का मतलब है कि ये मार्जिन लाइंस आपको रिकमेंडेड नहीं है, आपने ये मार्जिन लाइंस इस तरह से नहीं लगानी. आप गौर करें कि मार्जिन लाइंस सिंगल लगी हुई हैं और थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी भी फील हो रही हैं आपको. और यहाँ गौर करें राइट साइड पर डबल आता है कि ये इंग्लिश का पेपर कर रहा है या जिस मर्जी चीज़ का पेपर है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है तो राइट साइड पर उसने डबल मार्जिन लगाया है. अगर आप लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं तो डबल मार्जिन भी लेफ्ट साइड से होना चाहिए, अगर आप राइट साइड से लिख रहे हैं तो डबल मार्जिन राइट से होना चाहिए. और डबल मार्जिन रिकमेंडेड है, अच्छा लगता है, मार्जिन होने भी बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए. तो गौर करें ये जो मार्जिन लगे हुए हैं ये सूटेबल और अट्रैक्टिव नहीं है. तो लेट मी शो यू राइट मार्जिन क्या है. राइट मार्जिन ये हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं तो आप अपने जो मार्जिन लाइन्स हैं वो डबल लगाएं, ये आपको रिकमेंडेड है डबल मार्जिन. और आपने पहली जो लाइन लगानी है वो डबल कट वाले मार्कर से लगानी है और दूसरी एक बारीक सिंगल मार्कर से, या कट की आप जो एक साइड है उसकी निब है उसकी साइड से लगा सकते हैं बारीक करके. और अगर आप राइट साइड से पेपर कर रहे हैं तो वही आपको मार्जिन राइट पे लगाना है, लेकिन कट वाला फिर भी बाहर वाली साइड पर रहेगा और बारीक वाला अंदर रहेगा. आप दो चीज़ें आपके पास होती हैं, स्पेशली जो इंग्लिश उर्दू के हम टीचर्स हैं मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं कि आप दूसरी साइड पर भी एक मार्जिन लाइन लगा लो, बेशक वो सिंगल मार्जिन लाइन ही हो, दूसरी साइड पर डबल लगाने की जरूरत नहीं है. उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जब एंडिंग करेंगे, कई बच्चे स्टूडेंट्स एंडिंग करते हैं तो कोई लाइन का यहाँ ख़त्म हो रहा है, कोई लाइन पे यहाँ ख़त्म हो रहा है, कोई लाइन के यहाँ ख़त्म हो रहा है, जुमला सेंटेंस को यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो वो खूबसूरत नहीं लग रहा होता, वो दूर से एक बहुत बुरा इम्पैक्ट देता है. तो आपने जब ये लाइन सिंगल लगा लेते हैं तो एक ब्रेन में इम्पैक्ट आ जाता है कि मुझे इस लाइन के मैक्सिमम करीब करना है हर सेंटेंस के एंड. और जब आप मैक्सिमम करीब एंडिंग कर रहे होते हैं उस मार्जिन लाइन के तो वो खूबसूरत लगता है. तो दैट इज़ वाई दूसरी साइड पर भी एक सिंगल मार्जिन लाइन लगाना रिकमेंडेड है, लेकिन ना भी लगाएं वो भी रिकमेंडेड है, दोनों तरफ ठीक है. स्पेशली जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स वगैरह में दूसरी साइड पर जो मार्जिन है वो मोस्टली रिकमेंडेड नहीं होता. नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंटिंग शॉर्ट क्वेश्चंस. तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको जो है वो प्रेजेंटेड नजर आ रहे हैं, एक तरफ आपको ये इंग्लिश का पेपर है, दूसरी तरफ आपको
ये एक अकाउंट कॉमर्स का पेपर नज़र आ रहा है, तो आप गौर करें, जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रेजेंट करना है तो आपने क्वेश्चन का जो मेन नंबर है वो लिखा, फिर आपने वो जिस चीज़ में से शॉर्ट क्वेश्चन आए, मतलब ये नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स लिखें, पोएम्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट ईयर का है तो पोएम्स लिखें, आपको जो है वो शॉर्ट स्टोरीज में से आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर के नीचे शॉर्ट स्टोरीज लिखें, देन उस क्वेश्चन का अपना नंबर, मतलब आपका पहला क्वेश्चन आप टू अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो टू ही लिखेंगे, आप वन नहीं लिखेंगे, अगर आप थ्री पहले अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो थ्री लिखें, देन क्वेश्चन की एक छोटी सी हेडिंग अक्सर स्टूडेंट्स बना लेते हैं दैट इज सूटेबल, और देन आप एक क्वेश्चन का अपना आंसर दें और आंसर देने के बाद एक लाइन लगाएं और देन आप अगले क्वेश्चन का नंबर, उसकी हेडिंग, और इस तरह सो ऑन आपका पेपर चलता रहेगा। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जब भी हम एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो यूजुअली उसकी एक स्टेटमेंट छोटी सी देना, मैं पूरा क्वेश्चन लिखने को रिकमेंड नहीं करूँगा, मींस ये क्वेश्चन नंबर फोर है, आप लिखें ये नॉवल से क्वेश्चन नंबर फोर, नॉवल से शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉवल का नाम भी लिख दिया गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये पोएम से तो पोएम लिखें, अगर ये मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज में से तो इधर मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज लिखें और देन आप उस क्वेश्चन का अपना नंबर दें। अब वो क्वेश्चन लेक्स कैनोलिया के बारे में है तो आप ऊपर लिखें लेक्स कैनोलिया, लेक्स का एल और कैनोलिया का सी कैपिटल होगा, देन अपना आंसर दें, आंसर के अंदर गौर करें एक कोटेशन मार्क्स आनी थी क्योंकि ये वर्ड्स किसी के सेम टू सेम बोले हुए वर्ड थे, डायरेक्ट स्पीच थी, तो गौर करें वैसे ही आपको इन्वर्टेड कॉमास भी देने, और चूंकि ये थोड़ा सा हाईलाइट करने वाली चीज़ थी, थोड़ा सा शो ऑफ करने की चीज़ थी कि जी मैंने उस करेक्टर के सेम टू सेम वर्ड्स लिख दिए, तो गौर कीजिए उनको अंडरलाइन भी किया गया ताकि हाईलाइट करके खूबसूरत करके बयान किया जा सके। ये पेपर एक इंटरमीडिएट की बोर्ड टॉपर आमिना का है और आप इसकी प्रेजेंटेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जामिनर को प्रॉपरली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया है कि उसको दिखाया जाए कि जी मैंने कोई ना कोई सॉलिड मटीरियल लिखा है, मैंने कोटेशन दी है, मैंने जो है वो बुक का रेफरेंस दिया है यहाँ, और गौर करें सेकंड क्वेश्चन है, देन मैच की हेडिंग दी हुई है और आपने आगे क्वेश्चन को अटेम्प्टेड देखा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि जब आप एक क्वेश्चन लिखें तो कट मार्कर का यूज़ कहाँ कहाँ आपने करना है, टू राइट द इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल, डेट्स, डेफिनेशन, यूनिट्स, सम सेंटेंसेज एट्सेट्रा, तो आप कट मार्कर का यूज़ देखें, कोई ना कोई आप हेडिंग दे रहे हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आप डेफिनेशन को दे रहे हैं, देखो डेफिनेशन दे रहे हैं तो ये आप कट मार्कर का यूज़ डेफिनेशन के लिए कर सकते हैं या लफ्ज डेफिनेशन लिखने के लिए भी कर सकते हैं, कोई यूनिट लिखने जा रहे हैं आप, कोई आप जैसे आप इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, कोई सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है कि ये कुट उस करेक्टर के बोले हुए अपने वर्ड से, तो आप उनके लिए कट मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। देन फॉर हेडिंग्स, जैसे ये लेक्स कैनोलिया और मैच आपको कट मार्कर से लिखा नजर आ रहा है, टू ड्रा शॉर्ट लाइन आफ्टर राइटिंग ईच आंसर, कि आप एक आंसर के बाद, देखो इसने तो थ्री लाइंस लगाई हैं, दैट इज बेटर, लेकिन आप कट मार्कर से एक सिंपल लाइन लगा लेंगे तो वो भी एक बड़ा इंपैक्ट देगी, एक बोल्ड इंपैक्ट देगी कि यहाँ एक क्वेश्चन एंड हो गया, लेकिन ये लाइन पूरी लाइन पर नहीं लगा देनी, ये दरमियान में एक छोटी सी लाइन लगाते हैं जो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के कनेक्टिविटी का और सेपरेशन का पता देती है। टू राइट क्वेश्चन नंबर, ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर कट मार्कर से लिखा हुआ, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। देन राइट सेक्शन नंबर, आप कट मार्कर का यूज़ कर सकते हैं कि जी ये सेक्शन नंबर वन है पेपर का, ये सेक्शन नंबर टू है, ये सेक्शन नंबर थ्री है, फिर क्वेश्चन नंबर इन अरेबिक और पार्ट नंबर इन रोमन, याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर है वो हमेशा आप अरेबिक में लिखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर टू है तो ये अरेबिक में लिखा गया टू, लेकिन जो पार्ट नंबर होता है वो रोमन में लिखते हैं, ये देखिए पार्ट नंबर लिखा हुआ है, वन लगा के उसको आपको नजर आ रहा है कि जी ब्रैकेट लगाई हुई है, तो पार्ट नंबर आप रोमन में लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर जो मेन होता है टू थ्री फोर फाइव, वो जैसे ये क्वेश्चन टू का आपने पार्ट ए कर रहे हैं, पार्ट बी कर रहे हैं, पार्ट वन कर रहे हैं, टू कर रहे हैं, वो आप रोमन में लिख रहे होंगे। नेक्स्ट मूव आते करते हैं जी अंडरलाइन कीवर्ड्स, हमेशा जब आप एक शॉर्ट क्वेश्चन करें तो आप जो उसके कीवर्ड्स हैं, जैसे एग्जांपल है, आपको अंडरलाइन करनी चाहिए, ये क्वेश्चन की हेडिंग है, आपको अंडरलाइन करनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, गौर करें यहाँ मार्कर से लिखे नज़र आ रहे हैं, आप उनको मार्कर के साथ भी लिख जाते हैं, और देखो दोनों क्वेश्चंस के बीच एक आपको लाइन भी लिखी नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रहा है ये इक्वेशन लिखी गई है साइंस की, तो वो इक्वेशन एक मार्कर से लिखी गई है, लाजमी तौर पर जब एग्जाम्पल किसी भी क्वेश्चन में दे रहे हो तो एग्जाम्पल की बाकायदा हेडिंग दें, एग्जामिनर को पता लगे कि इसने ना सिर्फ अपना आंसर लिखा है
बल्कि आंसर के साथ उसने अपना एग्जाम्पल भी दी है, वरना कई बार वो एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही कहीं खो जाती है और एग्जामिनर तेज चेकिंग में समझता है कि शायद इसने एग्जाम्पल दी ही नहीं। सो एग्जाम्पल्स आपको लाजमी हेडिंग दे के लिखनी चाहिए और बाकायदा जो एग्जाम्पल दें उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मार्कर से लिखें या उनको अंडरलाइन करें। देन राइट लीजिबली। लीजिबल का मीनिंग है कि आपकी रीडेबल हो, आपका वो समझ आए कि ये एम है, ये एन है, ये ई है, ये ए है या ओ है। अदरवाइज अगर आपकी लीजिबिलिटी नहीं तो एग्जामिनर यही समझेगा कि शायद इस स्टूडेंट को स्पेलिंग गलत लिख रहा है या इसको लिखना ही नहीं आता। तो आपकी लीजिबल होनी चाहिए, जैसे ही स्टूडेंट की काफ़ी हद तक लीजिबल है, लेकिन अगर आप ये वर्ड डिपेंड्स देखें तो ये ई लीजिबल नहीं है, ये ई और आई और उस किसी चीज़ में डिफरेंस फील नहीं हो रहा। तो आपको ये कहीं कहीं स्टूडेंट स्पीड में लीजिबिलिटी ख़राब करते हैं, वो लीजिबिलिटी आपको ख़राब नहीं होनी चाहिए। राइट अ शॉर्ट लाइन आफ्टर ईच आंसर, हर आंसर के बाद ये देखिए शॉर्ट लाइन लगी हुई है, ये आपको हर सूरत देनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जी मेकिंग करेक्शंस। कई बार स्टूडेंट करेक्शन कैसे करते हैं जी, जो गलत हुआ वहाँ क्रॉस मार दिया, वो ऊपर दायरे बना दिए, लाइनें मार दी, ऐसा आपने हरगिज़ भी नहीं करना। आपके पास करेक्शन करने के दो से तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो बड़ा सूटेबल तरीका है जिससे प्रेजेंटेशन ज़्यादा बुरी नहीं लगती, कि आप उतने हिस्से को ब्रैकेट्स में करके आप क्रॉस लगा दें। ये देखो क्रॉस लगाओ, ऑल कंपनीज, देखो विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस, आपको नज़र आ रहा है क्रॉस लगे हुए हैं, जिसको बताया गया है कि ये रॉन्ग है। आप चाहें तो इधर एक सिंगल लाइन से, मतलब विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस, इसके ऊपर इसके थ्रू इसके अंदर से एक लाइन गुजार दे, दो तीन चार लाइनें गुजारने की जरूरत नहीं है, वो बैड इम्पैक्ट देता है। एक सिंपल लाइन, आपको पता है वाइटनर की या फ्लूइड की या रिमूवर की इजाज़त नहीं होती पेपर में, तो कुछ बच्चे ले भी जाते हैं लेकिन वो सारे पेज वहाँ येलो कर देता है और इम्पैक्ट ख़राब होता है। तो आप सिंपल क्रॉस लगा दें साइडों पे उसको ब्रैकेट्स में करके, या एक सिंगल लाइन उसके अंदर से पास कर दें जो कि शो कर देगा कि ये आपने कट किया है। तो ये बेटर तरीका है, ये सजेस्टेड तरीका है। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंटिंग लॉन्ग क्वेश्चंस, कि जी लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने कैसे लेके चलना है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस एक नज़र आ रहा है पाक स्टडीज़ का, आप कह लें इस तरह आपके अक्सर उर्दू और इस्लामियात के भी हो रहे होते हैं, और एक तरफ आपको जो है वो एक फिज़िक्स के पेपर का, एक साइंसिस के पेपर का लॉन्ग क्वेश्चंस की अटेम्प्टेशन दिखाई दे रही है। तो गौर करें आप उसका बाकायदा तौर पर एक जो है वो पैटर्न रखेंगे कि आप सवाल जो है उसको पूरा लिखने के बजाय उसकी मेन हेडिंग दें कि इस्लामी जमहूरी रियासत के लिए कौमी यकजहती, और आगे वो होता है उस पर नोट लिखें, उसकी अहमियत पढ़ें, अब सिर्फ उतना लिख दें। थोड़ा सा देखें पहली हेडिंग पर से मंजर, शेर देखें एक डिफरेंट जो है लिखा गया है, मार्कर से लिखा गया है, देन उसको एक्सप्लेन किया गया है, फिर सहाबा का तर्ज अमल आ गया, देन उसको एक्सप्लेन किया गया, और गौर करें पैराग्राफ के अंदर भी जो बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे मसाली रियासत बन गई, मार्कर से लिखा जा रहा है। तो ये तर्ज अमल बड़ा खूबसूरत होता है, हेडिंग्स को अंडरलाइन किया गया है। अब इधर आते हैं, ये क्वेश्चन जो है शुरू हो रहा है उसका ए पार्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा गया, उसको पहले डेफिनेशन की हेडिंग दे के डिफाइन किया गया है, देन उसका फार्मूला की हेडिंग दे के फार्मूला लिखा गया। आप चाहें तो ये फार्मूला मार्कर से लिख दें, देखिए हेडिंग कट वाले मार्कर से लिख दें, ये राउंड मार्कर से लिख दें, दोनों मार्कर यूज़ हो जाएंगे। आपने नीचे एग्जाम्पल की हेडिंग दे के एग्जाम्पल दी है, डायरेक्शन दे रहे हैं, गौर करो हर चीज़, बजाय कि इसको गुतमुत करें कि वो अंदर से समझ ही ना आए, बस डायरेक्ट ही फार्मूला लिख दिया, डायरेक्ट ही अंदर एग्जाम्पल लिख दी, हर चीज़ हेडिंग बना के लिखें, और उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो एग्जाम्पल के अंदर भी ये जो फार्मूला लिखा गया है वो मार्कर से लिखा गया, ताकि हाईलाइट हो जाए कि ये एग्जाम्पल है जी, ये उसको एक्सप्लेन किया गया थोड़ा सा, और ये उसको सम अप किया गया कि ये बात बयान हुई है। तो इससे वो चीज़ खूबसूरत होकर सामने आती है और एग्जामिनर जो है उस पर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए भी आपको अपनी जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर के सामने क्लियर होके जाएं, और उसको आपको पता है कि एग्जामिनर ने इन चीज़ों को लाजम देखना है, वो चीज़ें रिक्वायर कर रहा है, यू आर सपोज टू हाईलाइट दोज यूजिंग मार्कर थ्रू अंडरलाइनिंग एनीथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट आते हैं जी फर्निशिंग कोटेशंस पे, अपने आखिरी पॉइंट पे। तो ये जो कोटेशंस आप लिख रहे होते हैं, तो कोटेशन हमेशा पेज के सेंटर की तरफ लिखी जाती है, ये अक्सर आप उर्दू में लिख रहे होते हैं, अक्सर आप इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में लिख रहे हैं, पाक स्टडीज़ में लिख रहे हैं, अगर तो वो शायरी है तो उर्दू की शायरी तो आपको पता है पेज की राइट साइड से शुरू हो रही होती है लाइन, और इंग्लिश की शायरी पेज की एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू होती है, लेकिन उसके अलावा अगर वो
नॉन पोएटिक कोटेशन है तो वो पेज के सेंटर में थोड़ी थोड़ी जगह, जैसे देखें यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ी है और थोड़ी सी लेफ्ट और थोड़ी सी राइट में जगह छोड़कर एक सेंट्रलाइज बनाकर कोशिश की जाती है, पर इतना भी नहीं कि सिर्फ दो दो तीन तीन वर्ड्स आए, देखें यहाँ चार पाँच वर्ड्स तकरीबन हर एक लाइन के लिखे हुए, तो आप उनको मार्कर से लिखें और गौर करें, अगर कोटेशन लिखने वाले का नाम लिखना है तो वो नाम भी मार्कर से लिखें, आवर काइड सेट, शेक्सपियर सेट, तो शेक्सपियर मार्कर से लिखेंगे, सेट मार्कर से नहीं लिखना, फिर उसकी कोटेशन को मार्कर से लिखें खूबसूरत सा करके इन्वर्टेड कॉमास में लगाएं, और गौर करें अगर आपने कट वाले मार्कर से कोटेशन दी है तो उसको वैसे अंडरलाइन ना भी करें तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप किसी सिंगल मार्कर से या सिंपल पॉइंटर से ही, देखो पॉइंटर भी एक डिफरेंट चीज़ है, तो उससे आप एक अंडरलाइन कर देंगे तो खूबसूरती और निखर आएगी, लेकिन एहतियात करनी है अंडरलाइनिंग करने में कि लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट हों। देखो वो कई लोग लहरें सी बना देते हैं, वो लहरें नहीं बनानी, वो बुरा लगता है, सिंपल स्ट्रेट लाइनें लगाएं। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आप इतना वक्त है कि आप यहाँ अपना रूलर रख के लाइनें लगा सकते हैं तो वो लाइनें लगाएं और खूबसूरत तरीके से, लेकिन कोई भी लाइन ऐसा ना हो कि आपके किसी लफ्ज़ के अंदर से स्ट्राइक कर रही हो, उसके अंदर से गुजर रही हो। गौर करें कोई भी लाइन किसी लफ्ज़ के अंदर से गुजर नहीं रही, अगर कहीं गुजरने का खदशा पैदा हुआ तो जैसे ऑफ के अंदर से गुजरने का खदशा पैदा हुआ है तो लाइन ही नहीं लगाई, उसके इर्द गिर्द लाइन रोक दी, ये देखो एफ के इर्द गिर्द लाइन रोक दी है ताकि एक खूबसूरत इंपैक्ट जाए और लफ्ज़ क्रॉस होता हुआ नजर ना आए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब आपको लोगों के लिए जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज पेन विद 0.6 mm to 0.8 mm निब। देखिए मोस्टली जो पेन बाजार में मिलते हैं वो 5 to 6 mm होते हैं, बल्कि लिखा कहीं पे 6 होता, होते वो 4 or 5 ही हैं। हमेशा जब आप पेन लें तो उसको कुछ अर्सा यूज करें, देन उसको पेपर में लेके जाएं, उससे उसकी निब 6 से ऊपर चली जाती है। कुछ पेन होते हैं जो ऑलरेडी 8 mm निब के होते हैं, खूबसूरत लगता है, थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ, थोड़ा सा उससे अल्फाज का साइज, सब लफ्ज़ का साइज भी बड़ा हो जाता है, जो कि ज़ाहिर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है और पेपर ज़रा भरा भरा और इंक भी डार्क आती है। इंक डार्क आने की वजह क्योंकि निब मोटी है तो वो इंक भी ज़्यादा ले रही होगी। तो आपके कुछ पेन होते हैं जैसे डक्स का जो पेन है उसकी निब अक्सर बड़ी होती है, पेलिकेनो के जो पेन हैं ऑल्दो एक्सपेंसिव हैं उनकी निब्स जो हैं वो मोस्टली ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट दे रही होती हैं, थिक इंपैक्ट देती हैं, तो थिक इंपैक्ट याद रखिएगा ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट आते हैं यूज़ बोथ कट एंड राउंडेड मार्कर। जब पेपर में लेके जाएं तो सिर्फ कट मार्कर या सिर्फ राउंडेड ना हो, दोनों हो। देखो कट आप मेन हेडिंग्स के लिए यूज़ करेंगे और राउंडेड आप उसके अंदर अगर सब हेडिंग है, देखो कट से आपने लिख दिया फार्मूला का वर्ड और राउंडेड से आप वो एक्चुअल फार्मूला लिख दें, ये नहीं कि कट से ही आपने फार्मूला का वर्ड लिखा और राउंडेड से ही आप कट से या फार्मूला लिख रहे हैं, वो अच्छा इंपैक्ट नहीं देगा, तो वहाँ राउंडेड यूज़ करें, ये मिक्सचर खूबसूरत बनाएगा। आप उसके लिए पॉइंटर का यूज़ भी कर सकते हैं। इंक शुड बी ब्राइट ब्लो। अच्छा, कई स्टूडेंट्स इंक होती है जी वो बिल्कुल ही लाइट आ रही होती है, लाइट नहीं आनी चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा डार्क होनी चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा ना एक डार्क और गफ सा कलर आ रहा हो, ब्राइट कलर हो, चमकदार सा इंक का कलर आए, ब्राइट ब्लू, तो इसके लिए अच्छी इंक का यूज़ करें। पेलिकेनो की इंक्स अच्छी हैं, डॉलर की इंक अच्छी है और भी बहुत सारी कंपनीज की इंक अच्छी है, तो अच्छी इंक जो ब्राइट ब्लू इंपैक्ट दे रही है, जो डल ब्लू इंपैक्ट ना दे, जो लाइट ब्लू इंपैक्ट ना दे, ना लाइट हो ना डल हो, ब्राइट ब्लू इंपैक्ट हो, वो खूबसूरत लगती है। देखो ज़रा चमकदार और शोख कलर हैं वो अच्छे लग रहे होते हैं, और आपको पता है कि पेपर पेपर होने के कम से कम 15-20 महीने बाद चेक हो रहा होता है, तो अगर आपकी इंक पहले ही लाइट होगी तो उतने दिन पड़े रह के खुश्क होकर और डार्क लाइट हो जाएगी, जो कि बहुत बैड इंपैक्ट जाएगा और एग्जामिनर समझेगा कि शायद इसने इंक बहुत ही बुरी क्वालिटी की यूज़ की है, आपकी प्रेजेंटेशन ख़राब होगी। और देन नेवर अटेम्प्ट विद अ ब्रांड न्यू पेन। अक्सर एक हम चीज़ देखते हैं कि स्टूडेंट पेपर से पहले 2 pen 3 pen नए ले लेते हैं, भी मार्कर्स नहीं लें क्योंकि मार्कर्स खुश्क होती रहती हैं, लेकिन पेन हमेशा डार्क जो है पालने होते हैं। अब पेन पालना मैं क्यों कह रहा हूँ, कम से कम 4-5 माह पहले, मतलब जब सेशन स्टार्ट हो तब पेन लें कि ये पेन अब मुझे पेपर के लिए तैयार करने। देखिए आप उन पेन्स के साथ यूज़ करेंगे वो 4-5 mm का होगा, अब जब उनको यूज़ करेंगे तो 6 to 8 mm का वक़्त के साथ 4-5 माह में लिख लिख के घिस घिस के हो चुका होगा, तो कभी ब्रांड न्यू पेन के साथ पेपर नहीं देने, वो बहुत बारीक लिखता है, आपकी उसके ऊपर ग्रिप भी नहीं बनी होती, इसलिए पेन फिसल भी रहा होता है पेपर में, आपकी ग्रिप भी नहीं आती, लफ्ज खूबसूरत लिखे आते। जिस पेन के साथ आपने 3-4-5 माह लिखा वो पेन आपके हाथ के फिंगर्स के अंदर फिट आया होता है, उसके साथ आपकी रवानी बनी होती है, पेन का फ्लो भी बना होता है, पेन की निब भी बनी होती है आपकी, हर एक ना पेन के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है उसकी निब पर, वो स्पेसिफिक प्रेशर बन बन के आपका स्टाइल उस निब के साथ हारमोनियस हो चुका होता है, और आपकी हैंड राइटिंग जो आप देना चाह रहे होते हैं वो हैंड राइटिंग के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर फिर एग्जर्ट करना नहीं पड़ता, क्योंकि 4-5 माह के प्रेशर कंटिन्यूस से वो निब उस एंगल से वैसे ही बन चुकी है
और आपकी खुद ब खुद प्रेजेंटेशन जो है वो हैंड राइटिंग है वो उसके मुताबिक आ रही है और आपको कोई स्पेशल हाथ जोर लगा के एफर्ट नहीं करने पड़े कि 3 घंटे बाद आपका हाथ ही दुखता हो, वो सीन आपके साथ नहीं बनेगा। तो पेन पालना है, पेन नया नहीं खरीदना, 3-4 माह लेके रखें। आई डू होप कि आपको ये मेरी बात समझ आ रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच जी, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन SMS मी, एंड इवन यू कैन आस्क दोज क्वेश्चन इन द कमेंट्स, एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड टू आंसर दोज ऑल क्वेश्चन आस्क बाई यू पीपल फॉर यू पीपल्स बेटरमेंट, फॉर यू पीपल्स वेलफेयर। एंड इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी और आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके मार्क्स जो हैं आपके पेपर्स में इंक्रीज होने वाले इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।